अस्सलाम वालेकुम मोजिज नाजरीन, यहाँ पर मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद आमिर क्या एशिया कप में आएंगे या नहीं, इसके हवाले से मोहम्मद आमिर ने बहुत बड़ा इंटरव्यू जारी किया। क्या मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लिया है या नहीं, इसके हवाले से मोहम्मद आमिर ने आज बहुत बड़ा इंटरव्यू जारी किया। मोहम्मद आमिर ने इंटरव्यू में क्या कहा है एशिया कप के हवाले से, इसका मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्या मोहम्मद आमिर एशिया कप 2022 में पाकिस्तानी टीम में नुमाइंदगी करेगा या नहीं, क्या पाकिस्तानी स्क्वाड में चेंजेस होंगे या नहीं एशिया कप के लिए, क्या मोहम्मद आमिर एशिया कप में स्क्वाड में कमबैक करेगा या नहीं, इसके हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटे को जरूर दबाएं ताकि हमारे किस्म नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट के हवाले से। यहाँ पर आप लोग बताता चले कि मोहम्मद आमिर इस वक्त KPL खेल रहे हैं। आप लोग बताते चले कि मोहम्मद आमिर पहले ही कहा था कि मैंने अपना जो रिटायरमेंट है वो मैंने वापस ले लिया है। अब जराए ने बताया कि मोहम्मद आमिर अगर KPL मैच की कारकर्दगी पेश किए तो वो एशिया कप में आ सकते हैं, एशिया स्क्वाड में आ सकते हैं। पाकिस्तानी एशिया कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें आ सकते हैं। फिलहाल मोहम्मद आमिर जो कि KPL में मौजूद है, KPL जो कि अभी शुरू होने वाला है, अगर KPL में मोहम्मद आमिर अच्छी कारकर्दगी पेश करता है तो मोहम्मद आमिर को एशिया कप 2022 में पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। अब बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से कि मोहम्मद आमिर ने पहले भी कहा था कि जो मैंने रिटायरमेंट लिया था वो मैंने मिसबाउलक और वक़ार यूनुस की वजह से लिया था, लेकिन मैंने अपना जो रिटायरमेंट है वो वापस ले लिया और अब पाकिस्तानी टीम में कमबैक करना चाहता हूँ। तो मोहम्मद आमिर बहुत जल्द एशिया कप में कमबैक करेगा। अगर आप लोग मोहम्मद आमिर पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।